एटा थाना रिजोर क्षेत्र में दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी और करीब एक दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर एटा मेडिकल कॉलेज में भेजा। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया। आपको बता दें, रिजोर थाना क्षेत्र के उम्मेदपुर में हुए खूनी संघर्ष में राजेंद्र पुत्र रक्षपाल सिंह की मौके पर मौत हो गई और करीब एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। मृतक के परिजनों ने बताया, राजेंद्र और उनके बड़े भाई कटिंग कराने गए थे, जहां गांव के ही प्रधान के मकान में नाई की दुकान में बाइक खड़ी की, जिसको लेकर प्रधान शिवम ने गाली गलौज करते हुए बाइक को हटाने को बोला, जिसको लेकर दोनों लोगों में विवाद हो गया। जिसकी सूचना पर गाँव से कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर घर भेज दिया। घर आते समय गाँव के प्राइमरी स्कूल के पास करीब 50 लोगों ने लाठी डंडे लेकर घेर लिया। राजेंद्र और उनके भाई को लाठी डंडों से पीटने लगे, सभी लोगों ने एक राय होकर हमला कर दिया। 6 लोग गंभीर घायल हो गए, एक की पर मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नजदीकी थाना रिजोर पुलिस को दी, जिसके बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने एटा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने घायलों की हालत गंभीर देख हायर सेंटर आगरा। क्या नाम है आपका? संजय यादव। पोस्टमार्टम गृह आए हैं, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई थी, ये हमारे दाऊजी पिताजी वहाँ कटिंग कराने गए थे जी। शिवम प्रधान की वो दुकान थी, उसी में नाव रहता है जी। उन्होंने शिवम की दुकान में नाव की दुकान और शिवम की दुकान एक ही वही शाम इकट्ठी हैं जी। वहाँ पर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। किसने बाइक खड़ी की? पिताजी ने मारे ने जी। तो वहाँ पर बाइक खड़ी करके शिवम ने आके कहा कि भाई कटा लो गाड़ी गलौज के, थप्पड़ वप्पड़ी मार दिया। फिर हम लोग दाऊ खाऊ चाचा लोग ये गाँव से लोग पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर जाके समझाया, बीच बचाव गया, हम लोग वहाँ से चले आए बीच बचाव करके। वहाँ से ये लोग आ करके इन्होंने हमारे गांव के पास आकर के प्राथमिक विद्यालय पास आकर के ये करीब 50-60 लोग थे, लाठी डंडे थे ना, ईट पत्थर थे, लेके आए खेतों में डले थे वहीं पर, लेके आ करके इन्होंने बहुत ईट पत्थर भी मारे, डंडे मारे, कई लोग घायल हुए इसमें। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? छः लोग घायल हुए, एक लोग की मृत्यु हुई। मृत्यु हो गई। वो कितने लोग थे, इन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? करीब 50 लोग। 50। घटना कौन सी हुई थी? हमारे प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। गांव कौन सा लगता है? ग्राम उम्मेदपुर से।